हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ कि ऑल्ट कॉइंस का क्या अपडेट है, ऑल्ट कॉइंस की साइकिल कब आने वाली है, ऑल्ट कॉइंस कब पंप करेंगे, आखिर यार कितने दिन रुलाएंगे ऑल्ट कॉइंस। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा सच यार कौन से वो चार कॉइंस है, चार पाँच कॉइंस बताऊंगा जो बहुत सॉलिड 100 to 100% पंप हो सकते हैं, गारंटीड रिटर्न्स आपको ला के देंगे। नेक्स्ट बुल साइकिल की बात करो तो बहुत दे देंगे, लेकिन अभी आने वाले टाइम में भी आपको दे देंगे जैसे जैसे एथेरियम की डोमिनेंस बढ़ेगी या एथेरियम में पैसा आता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आपको लाइक करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगी, चेकआउट जरूर करना, बहुत काम आ सकती हैं, क्योंकि आप यू नेवर नो, आपको टेलीग्राम पर फ्री में चार्ट मिल रहे हैं। आप लेकिन मिस आउट करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके मत जाओ, आपको वीडियो पॉज करनी है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आप जुड़े रहो, ऐसी अपडेट आपको मिले। आज बहुत इन्फॉर्मेशनल बात करने वाला हूँ, आप लोगों को बोरिंग लगेगी शुरुआत में, बट ट्रस्ट मी एंड तक देखोगे आपको समझ में आने लगेगा। कोई भी आगे बढ़ के कॉइंस पे ना चले जाना डायरेक्ट, ठीक है, ये समझ लो। उसके बाद साइकिल समझ में आएगी, उसके बाद समझोगे क्या लेना है, कब एग्जिट करना है। सबसे पहले हम अपने चार्ट में क्या करेंगे, हम अपने वीडियो में हम एंटर करेंगे टोटल थ्री पे। टोटल थ्री क्या है, क्रिप्टो का मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम, यानी इथेरियम और बिटकॉइन के पैसे को हटा के हम देखेंगे ऑल्ट कॉइंस में पैसा किस हिसाब से आ रहा था, किस हिसाब से नहीं आ रहा। हम 2019 में चल रहे हैं, आपके सामने मेरे चार्ट खुला होगा, 2019 का ये चार्ट 2017 से स्टार्टिंग हुई। 2017 में पीक बना था ऑल्ट कॉइंस का $362 बिलियन का, ठीक, $362 बिलियन के बाद मार्केट नीचे आती है, डोमिनेंस बिटकॉइन की बढ़ती है, नीचे आती 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 बॉटम पहला बनता है $30 बिलियन के अराउंड 90% डिक्लाइन आ गया, समझ रहे हो ना, 90% ऑल्ट कॉइन का पैसा निकल गया, बिटकॉइन खा गया, मार्केट सही चला गया, ठीक। तो उसके बाद एक हाई लो बनता है, लो बनता है, वो बनता है हमारा अराउंड 100 बिलियन, यानी 3x बना, ठीक, ये बात याद रखना। उसके बाद हम दोबारा नीचे आए, इस दौरान हमें टाइम कितना लगा, 65 वीक्स लगे, ठीक है, 65 हफ्ते। 65 वीक के बाद हम दोबारा इस जगह आए, बट गौर करने वाली बात यह है कि ये वो जगह थी जहां कोविड आया था, ब्लैक स्वान अकरेंस हुई थी और सडनली हम फॉल करके उसी लेवल पे आए। मैं ब्लैक स्वान मानता हूँ, मैं सडन न्यूज़ भी मानता हूँ, न्यूज़ की सेलिंग भी मानता हूँ, सब मानता हूँ, बट ये मानता हूँ कि हर चीज़ चार्ट पे आपको दिखती है और हर चीज़ के सपोर्ट भी आपको चार्ट पे दिखते हैं। मतलब टीए और एफए साथ में तो जाता है, पर थोड़ा सा टीए को मैं ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि टीए में अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो ये जान जाएगा कि कहाँ वेट करना चाहिए, कहाँ ब्लैक स्वान आता है तो कहाँ तक हमें बाइंग मिलेगी। तो वो बैठे होंगे वेट करके कि बिटकॉइन इतना आएगा नहीं, तो उन्हें पता था 3000 आएगा, तो वो बैठे थे, भाई ब्लैक स्वान आए, कोविड आए, जो आए, जिस भी वजह से आए, पर आया ना बिटकॉइन 3000। ये होती है टीए की पावर। अब हम देखते हैं कि क्या साइंस हुए थे उस समय। पहला, आरएसआई की बुलिशनेस आपको दिखेगी, बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी आरएसआई में, ठीक, आपको दिख रही है। उसके बाद डबल बॉटम आपको समझ में आ ही गया, डब्लू पैटर्न बना। इस डब्लू पैटर्न का टारगेट होता है इस नेकलाइन तक का टारगेट, तो अगर इस नेकलाइन का टारगेट इस नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद तक लें तो अराउंड अराउंड हमें ये 257% का पंप देता, ठीक, तो वो अराउंड हमें इसी टारगेट तक लाता जो रेजिस्टेंस था, ठीक। लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम फाड़े और ऊपर गए, 1.12 ट्रिलियन तक गए थे ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब क्या है, जब भी ऑल्ट कॉइन बॉटम करते हैं वहां से टॉप जो बना है, जब भी क्या, दो ही बार हुआ, टॉप बना बहुत हाई बनता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यानी हम 300 बिलियन से 30 बिलियन आए, 30 बिलियन से 1 ट्रिलियन गए, 30 बिलियन से 1 ट्रिलियन, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, 30x का रिटर्न हुआ, ठीक, समझ गए आप। तो इस लेवल की ग्रोथ ऑल्ट कॉइंस में होती है हर साइकिल में, ये आप समझ गए हो। अब क्या हो रहा है कि हम उस समय जब पीक बनाए तो पीक के बाद हमें एक आरएसआई में बेयरिश डाइवर्जेंस भी दिखी, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम वहां से गिरे कितना, हम गिरे ऑलमोस्ट अभी तक 75% ऑफ दैट रैली। तो व्हाट डज इट मीन, हम लास्ट टाइम गिरे थे तो 90% गिरे थे, तो 90% जब हम गिरे थे तो हम कहां तक, अगर हम 90% मान के चले तो क्या इस साइकिल में हम और गिर सकते हैं ऑल्ट कॉइन में, देखते हैं कहां तक गिर सकते हैं। जब हम 90% लेते हैं तो वो एरिया कोइंसाइड करता है $100 बिलियन के साथ, विच वॉज अ हायर लो इन 2019 की साइकिल में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बिटकॉइन यहाँ से डोमिनेंस खेलता है, एक और लो बनता है, बिटकॉइन एक और बार 16,000 जाता है, ये एक और बार 20,000 आता है, ऑल्ट कॉइंस लटक के कहाँ आ जाएंगे, $100 बिलियन के आसपास। पॉइंट समझे, समझे पॉइंट, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, चार्ट अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। तो 100 बिलियन आ सकते हैं, ये मेरा कहना है, मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक। अच्छा,
अब अच्छी खबर दे दो ये तो बुरी आपने डरा दिया। अब मैं आपको अच्छी खबर बताता हूँ। अच्छी खबर क्या है कि ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। एक बार मैंने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड करी, मैंने देखा कि मेरे चार्ट्स नहीं अपडेट हो रहे और वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी। दोबारा मैं वही बातें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है एंड चूंकि फ़ैन एसी सब बंद करके मुझे रिकॉर्ड करना होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियो थोड़ी क्रिस्प आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, बस कुल मिला के ये मांग रहा हूँ। अभी देखना क्या होता है, इस जगह सेम पैटर्न आपको चमका, कुछ चमका क्या, इसको देख के कुछ चमक रहा है क्या, हम वही पैटर्न नहीं कर रहे हैं बना रहे। हमने यहाँ बॉटम बनाया $290 बिलियन का, समझ में आता है, हायर लो बनाया $400 बिलियन का, ठीक। 290 से 400 बिलियन गए, $110 बिलियन का मूवमेंट आया मार्केट में, ऑलमोस्ट हाफ 50% मान लो। उसके बाद हम दोबारा नीचे आते, वही 290 को फिर रिटेस्ट मारा। ऐसा लास्ट टाइम हुआ था, कब हुआ था हमारे साथ चेक करो, 2017-2020 के बीच में। बट उस समय एक पॉइंट है जो याद रखने वाला कि 65 हफ्ते लगे थे इस काम को होने में, इस बार इतना टाइम नहीं लगा। विच मीन्स क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अभी हम अच्छा डॉम जो बॉटम है ऑल्ट्स में नहीं बना पाए। दिस इज एन ओपन पॉसिबिलिटी एंड दिस लीड्स टू द कंक्लूजन दैट देर माइट स्टिल बी अ चांस कि हम $100 बिलियन तक आ सकते हैं, ठीक समझे। $100 बिलियन का मूवमेंट विल लीड अस टू 50-40% मोर डिक्लाइन इन ऑल्ट कॉइंस। दैट मीन्स कि हमें ऑल्ट कॉइंस और कौड़ियों के भाव में दिख सकते हैं। ये बहुत डरावना लगता है सुनने में, लेकिन अब अच्छी चीज़ बताता हूँ क्या है। अच्छी चीज़ जो हमारे बुलिश केस को बचाती है वो हमारी यहाँ पर है, RSI में बुलिश डाइवर्जेंस दोबारा से बनने लग गई भैया, तो क्लैपिंग करो और मज़े से जियो। क्यों? क्योंकि RSI की बुलिश डाइवर्जेंस तो लास्ट साइकिल में भी बनी थी और बहुत अच्छा हमें पंप दिया था, लेकिन RSI की बुलिश डाइवर्जेंस पे क्या रह सकते हैं सिर्फ हम नहीं, तो इसीलिए तो हमें डबल बॉटम भी दिख रहा है ना। डबल बॉटम बन गया है पर W नहीं बनाया कंप्लीट, ये बात ध्यान रखना। तो डबल बॉटम अगर बना है तो इसका टारगेट मेनली यहाँ तक होगा 400 बिलियन का। 400 बिलियन के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तब हमारा टारगेट दोबारा से ये हो सकता है 1 ट्रिलियन का, ठीक है, जो कि 177% की ग्रोथ हमें ला के देगा। विच मीन्स कि ऑल्टकॉइन दोबारा से हमारे मई वाले पीक पर जा सकते हैं, ठीक है, मोटा मोटा। लेकिन मैं इतना छोटी सोच नहीं रख रहा हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पर 30 बिलियन से जो मार्केट में टॉप पंप आया था वो अराउंड 30x का आ गया था, ठीक। और अगर हम पिछली पीक से कंपेयर करें तो जो नेक्स्ट पीक बनी वो ऑलमोस्ट कितनी बनी, लेट्स सी, हम इसको नाप लेते हैं, आपके सामने ही नाप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट पीक जो बनती है वो 205% पर बनती है, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, ठीक, ऑल्टकॉइन का मार्केट कैप। तो लेट्स से कि हम यहाँ पर जो पिछली पीक बनाए थे वो अगली पीक बनाए, इस पीक से नेक्स्ट अगर हम 200% पंप करते हैं तो लेट्स से 200% इज हेयर, विच मीन्स कि हम 3 ट्रिलियन जा सकते हैं। ये थ्योरी कहती है कि 200% अगली साइकिल में हम ऊपर और पंप करते हैं तो हम जा सकते हैं ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन, जो कि मेरे कैलकुलेशन से फिट बैठा है। आपको अगर याद हो अच्छे से, जब मैं मार्केट यहाँ पे थी भी नहीं, लास्ट ईयर मैं जब डिस्कशन इसके ऊपर किया था डोमिनेंस और मार्केट कैप के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पर मुझे लगता है बिटकॉइन की मार्केट कैप 10 ट्रिलियन आराम से जाएगी, सॉरी क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप टोटल 10 ट्रिलियन जाएगी, जिसमें से ऑल्टकॉइन मिनिमम 3-5 ट्रिलियन के अराउंड रखेंगे, 3 ट्रिलियन के अराउंड ये बैठ रहा है मोटा फिगर, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे भाई एग्जैक्टली ये नहीं है, प्राइस कंप्रेशन होता है, एक चीज़ होती है कि भाई जो टाइम के साथ साथ जो रिटर्न होते हैं वो कम होते जाते हैं, तो अगर हम उसको कम करके 200 से इसको 100% कर लेते हैं, मान के चलते हैं हम 100% की ग्रोथ, तो विच लीड्स अस टू 2.2 ट्रिलियन डॉलर, विच मीन्स कि हम यहाँ से अगर पंप भी करते हैं ना जहाँ पे हम हैं, तो यहाँ से कहाँ तक का हमें अगली साइकिल का मिनिमम टारगेट मिल रहा है। इस पूरी स्टडी का सार जो निकल के आता है समराइज, वो ये कि 574% का रिटर्न मिनिमम टू मिनिमम इस जगह से मिलेगा, और अगर और नीचे आते हैं तो वहाँ से तो और अच्छा मिलेगा। मतलब अगर हम 100 बिलियन आते हैं तो वहाँ से तो हमें 2200% का रिटर्न मिल सकता है। तो आपको चूज़ करना है कि आपको यहाँ बाइंग करनी है या नहीं करनी है। अब आप कहोगे भाई आप तो हमेशा की तरह वही करके चले गए, आप तो दोनों केस बता के चले गए बीरिश बुलिश, मेरा वही काम है। असली ट्रेडर आपको दोनों साइड के केस समझाता है और आपकी कॉन्शियसनेस पे छोड़ता है कि आपको एक्शन लेना कैसे है, ठीक। क्योंकि हर ट्रेडर के सोचने का तरीका अलग होता है, पोजीशन बनाने का तरीका अलग होता है। मैं पर्सनली ऑल्टकॉइंस में इन्वेस्टेड हूँ,
ठीक, और हैविली इन्वेस्टेड हूँ। मेरा मेजर पोर्शन जो है लिंक में, जो लॉस में चला गया था, वो अभी ब्रेक इवन पे है। मैं जो है वो ये चाहूँगा अभी के लिए कि 20% का पंप मिनिमम मुझे लगता है कि आएगा, और इस पीक को 400 बिलियन को हम टच कर सकते हैं इन द कमिंग डेज, जब बिटकॉइन 40K के अराउंड, 36K के अराउंड आ सकता है, तो हमारा यहाँ तक का पंप हमें ऑल्टकॉइन में देखने को मिलेगा। अब मेरी एक और थ्योरी है कि भाई अगर 100 बिलियन आता है, या फिर ऑल्टकॉइन का मार्केट कैप मुझे लगता है कि इस लो के नीचे आ गया 287 के, तो मैं एग्ज़िट करना ही बेहतर समझूंगा। मेरा लॉस बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं एग्ज़िट करके नीचे ले लूँगा उतने ही पैसों से जो कि 100 बिलियन का है। क्यों मैं ऐसा बोलूँगा, तब RSI भी नीचे आ चुका होगा, ठीक। तो वो एक चीज़ है। अब आपको समझ गए, आप ये बात तो अब समझ गए। अब कॉइन्स पे आते हैं भाई, ज़्यादा बकैती नहीं करते, डायरेक्ट कॉइन्स पे आए। पहला कॉइन जो मुझे आपको बताना है वो है आर्बिट्रम। व्हाई आई एम सो बुलिश ऑन आर्बिट्रम, ठीक है, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये, पहले तो मैंने चार्ट पे शेयर ही किया था लॉन्ग हेयर इफ सस्टेंस इस एरिया के ऊपर, 13 के ऊपर कर देना लॉन्ग, ठीक। कर रहे होगे लॉन्ग वो अलग बात है। मैं जो बताने आया हूँ वो ये कि आर्बिट्रम ऐसा टोकन बेयर मार्केट में लॉन्च हुआ, हैज़ अ गुड TVL वैल्यू यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड, इस पर पैसा बहुत लोग का फंसा हुआ है, इन्वेस्टेड भी हैं लोग, और इसमें स्टेक भी करके रखा है, इसके प्रोटोकॉल्स में भी जमा करके रखा है, समझ रहे हो ना। तो इसकी यूटिलिटी तगड़ी है अगर इथेरियम के इकोसिस्टम में बात करें। लिंक में उतना पैसा नहीं फंसा जितना आर्ब में फंसा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आर्ब का क्रेज़ लिंक मैटिक सबसे ज़्यादा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे कुछ वेल दोस्त हैं, मेरे साथ कई लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, मैं देख रहा हूँ लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्बिट्रम लेके बैठे हैं, ठीक, और वो कह रहे हैं 100% बुलिश $10। अब उनके कहने पे मैं इसलिए क्यों बिलीव कर रहा हूँ, लास्ट साइकिल दे ऑल्सो सेट कि सोल जाएगा हमारा, ठीक है, $200 जैसे सोल उठा था, रून का बताया था। तो ऐसे लोगों से जब ये बात आती है तो हमें सोचना होता है कि भाई हमें अपना स्टैंड क्या बनाना है। तो मेरा स्टैंड आर्बिट्रम पे सॉलिड है। मैं यहाँ पर अपनी एनालिसिस से भी ये कहता हूँ कि इसमें एयर ड्रॉप मिला, लोगों ने सेल प्रेशर क्रिएट किया, नीचे आया, एक बॉटम बनाया, अनएक्सपेक्टेड बॉटम बनाया, $1 का लोग बना बांध के चल रहे थे, नीचे गया, झटका दिया, $90 पे गया, लिक्विडिटी उठाई, सबके ऐसे लिए ऊपर गया, भागा। अब 1.27 को तोड़ता है तो रीविजिट बनेगा 1.4 का और 1.6 का। मेरा मानना ये कि आप इतना सोचो ही ना, आप लॉन्ग टर्म सोचो। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो आप इसको इस तरह से देखोगे, अगर आप वेव थ्योरी बनाते हो तो आपको दिखेगा कि हमें यहाँ पर एक अच्छी वेव मिलेगी, ठीक, विच विल लीड टू अराउंड $2.5 बिलियन। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो मेरा मिनिमम एस्टिमेशन ये है कि आर्बिट्रम का मार्केट कैप कितना चल रहा है, लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ दिखा रहा है 11 बिलियन अगर फुल्ली डॉल्यूटेड, और टोटल मार्केट कैप कितना है, 1 बिलियन के अराउंड है, ठीक है, यहाँ दिखा रहा है $1 बिलियन के अराउंड। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो ये साइड में कोने में लिखा हुआ है, तो $1 बिलियन का है। मेरा अनुमान ये है कि पिछली साइकिल में जो अच्छे L1 टोकन्स थे जो इथेरियम के कनेक्शन में थे, वो $20 से $30 बिलियन गए थे। इसका तो कुछ भी नहीं है यार, मैं $10 बिलियन का मार्केट कैप लेके चलूँ तो यहाँ से 10x होना है, ठीक है, और 20-30 लेके चलूँ तो $20-$30 जाना इसे तो। और लॉन्च नया टोकन है, मैटिक भी नया लॉन्च था, ये बात याद होगी आपको। अगर मैटिक जैसा टोकन नया लॉन्च था और वो 100x 20x 30x हुआ था, तो आप इसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते किस लेवल की ग्रोथ हो सकती है। अभी तो हम बहुत छोटा सोच रहे हैं। अगर आप इस टोकन को लेके 2025 के लिए छोड़ देते हो, तो आई कैन गारंटी इफ़ नथिंग गोज रॉन्ग इन द टोकन या प्रोटोकॉल में, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है आपके पोर्टफोलियो में अगर आप इसको इंक्लूड करते हो। नेक्स्ट टोकन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टोकन मेरे मामले में ये है जिसका मैं आपके साथ व्याख्यान करूंगा, वो है हमारा FTT। FTT ने 3 बार बाउंस मारा, ठीक है, इस पूरी मार्केट में अराउंड दिसंबर 2022 से अब तक इसने बाउंस मारा। पहली बार 2.9 से गिर के नीचे आ गया, फिर मारा 2.8 से फिर नीचे गिर गया, फिर मारा 2.9 से गिर गया। अब क्या FTT वापस से नीचे आ जाएगा? आ सकता है। क्या FTT में दोबारा बाउंस बनता है? बनेगा, ये मुझे लगता है 100%, क्योंकि FTT को यूज़ किया जा रहा है न्यूज़ सेलिंग, न्यूज़ प्रॉफिटिंग के लिए, न्यूज़ के लिए, और लोग इसको बाय करते हैं रेंज में, उसको बेचते हैं। बट एक अच्छी चीज़ जो दिखती है मुझे RSI में, इंटरेस्टिंग, मेरे RSI का एक्सपीरियंस यही कहता है कि FTT यार इसको तोड़ देगा $3 के लेवल को, तो FTT में यहाँ तक का है पोटेंशियल, ईजिली $20 का, उससे नीचे है भी नहीं कुछ, ठीक है, FTT में।
देख लो आप खुद देखो, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई लिक्विडिटी नहीं, कोई गैप नहीं, सीधा गैप है ऊपर भेजेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए एफटीटी ना ऊपर जा सकता है अगर इसको 3 को तोड़ दे। तो एफटीटी में मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, इसको लेके छोड़ के डालने वाला 2025 तक या फिर आप जहाँ तक सोचो, ठीक। लिंक की मैंने आप लोगों से बात की, चेनलिंग की बात करी थी मैंने आप लोगों के साथ, आई गेस करिए चेनलिंग की बात। मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बताऊंगा, चेनलिंग में एक्यूमुलेशन हुआ वाइकऑफ, RSI ऊपर ही जा रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस है, ओवर अ ईयर बन रही है, एक पूरे साल से बन रही है, कोई कुछ कह नहीं रहा। एक्यूमुलेशन में नीचे झटका दिया, वीक हैंड्स को भगा दिया, भैया भागो यहाँ से, भागो बेचो अपने लिंक, भगा दिया, वहाँ से ऊपर भागा, रेंज के अंदर आ गया। दोबारा रेंज के अंदर आने के बाद आप देखोगे कि FT जो लिंक है हमारा वो 6.5 के अंदर है, मेरा जो टारगेट रहेगा वो 8.6 मिनिमम रहेगा, ओके। ये बात याद रखना, 8.6 को तोड़ने के बाद हम 11, 13 सब आराम से देखेंगे, पर 8.6 तो टूटे, पर 8.6 क्या कम है क्या भाई, यहाँ से 30% की ग्रोथ है ना, 8.6 भी 30% की ग्रोथ है लिंक में यहाँ से, तो हमें मिल सकता है प्रॉफिट ना, तो आप तैयार रह सकते हो। अगर आप चाहो तो लिंक को बाय कर सकते हो, मेरा तो भाई यही है, मेरा तो लिंक है, मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, मैं बता दूँ तो हो सकता है मैं बायस आप लोग को साउंड करूँ। नेक्स्ट टोकन जो मेरी नज़र में है आप लोगों के लिए वो है, 3 टोकन की बात कर ली हमने यहाँ, लिंक, आर्ब, FTT की बात करी, पेंडल की बात नहीं करी है, एवैक्स की बात करनी आपसे, ओके। सो दिस टोकन इज एवैक्स। सो AVAX क्या कर रहा है मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताता हूँ और सिंपल भाषा में बताता हूँ। इसका RSI भी वीकली में ऊपर ही है, कहीं भी चाहे प्राइस जितना नीचे रहो। एक इंटरेस्टिंग बात ये, 11 से 10 में जुलाई 2021 के बॉटम में आया, 11 से 10 की रेंज में दिसंबर 2022 की टाइम में आया, अभी फिर जून में बॉटम बनाया इसने, ठीक है, 11 से 10 की रेंज में। इसका सिंपल से सिंपल मतलब यह है कि भाई ये बाइंग जोन है, ले के छोड़ दो इसको टाइम के लिए। आपको TA नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आपको मेरी बात तो आपके भेजे में कुछ तो घुस रही होगी, आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी, 2021 में 10-12 से उठ के 200 गया, उधर गया, बाउंस हर बार बना है 10-12 से, ठीक है। अभी पिछली बार $20 गया था, अभी दोबारा मुझे लगता है कि $20 जाएगा अगर ये 15 तोड़ता है, ठीक। तो उसके बाद मेरा जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वो ये कि यार ये एक टोकन है L1 में, पिछली साइकिल के डॉट लिंक विंग सब में लिंक तो अच्छा है ही, मैं आर्ब AVAX को ऐसा देख रहा हूँ कि ये दोबारा अपना हाई दोबारा से बनाएगा। मैं बाकियों को लेके इतना श्योर नहीं जितना AVAX को लेकर हूँ, तो AVAX कर सकता है क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एकदम शांत ही पड़ गए। आप ADA की बात कर लो, आप डॉट की बात कर लो, इनमें कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं यार, उस हिसाब से कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं। तो मैं यहाँ पर AVAX में मान रहा हूँ कि AVAX काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, AVAX में प्रोटोकॉल भी अच्छे हैं, फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, AVAX को लेके डालने वाला है। नेक्स्ट टोकन जिसकी बात करूँगा, पेंडल, जिसकी लिस्टिंग अभी रिसेंटली हुई है, तो इसमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा आपको बाइनेंस में। वैसे ये 4 सेंट से आई गेस 90 सेंट तक चला गया, ऑलमोस्ट बहुत उठाया है, ठीक है, फरवरी से लेकर। अगर आप देखो ये आर्बिट्रम बेस्ड टोकन है, ये बात याद रखना, आर्बिट्रम की ग्रोथ है तो इसकी ग्रोथ है, पंप बहुत कर गया है, रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, तोड़ा है, रीसेट मार सकता है, हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँगा करेक्शन अराउंड दिस लेवल, 19-20 सेंट आ सकता है मेरे ख्याल से, अराउंड इस लेवल तो आएगा ही, ठीक है, 40 सेंट के नीचे लूँगा मैं इसको। लेकिन पेंडल को ध्यान रखना, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना, इसको लेना बहुत ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट साइकिल, ये अच्छी ग्रोथ आपको करके दे सकता है, ठीक। दिस वॉज होल ऑफ माई अपडेट, आई होप आपको अच्छी लगी, अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं ट्विटर पे आपको मिल जाऊंगा, आपको मुझसे कनेक्ट करना है, आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना है जहाँ पर हम कॉल्स देते हैं, मेरी अपने TA की कॉल्स होती हैं, आप लोग को वहाँ पर टाइमली स्टॉप लॉस दिए जाते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं, आपको बिटकॉइन में एंट्रीज दी जाती हैं, मेजरली बिटकॉइन की एंट्रीज होती हैं लॉन्ग शॉर्ट की, और किसी ऑल्टकॉइन में बहुत स्ट्रांग लग रहा होता है तो हो सकता है। पिछले कुछ दिनों का रिजल्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, प्रीमियम का बहुत तगड़ा चल रहा है, हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया, कुछ ही SL लिए, कुछ ही SL हिट हुए हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पर आपको आना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाना, वहाँ पर मैं आपको अपडेट पर डाला होगा ऊपर कहीं प्रीमियम के बारे में, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही चीप रखा है मैंने इंडियन ऑडियंस को देखते हुए, हालांकि उसमें जो नॉलेज है वो बहुत मिलेगी, क्योंकि मैं हर TA हर ट्रेड का TA डालता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कॉल दे दी गई, मैं वो भी समझाता हूँ कि एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों हम इस ट्रेड में एंटर किए हैं और क्यों हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, तो दोनों चीज़ें आपको वहाँ मिलती हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, सुनने में फैसिनेटिंग लगता है, तो आओ जुड़ो, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।